लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो वेलकम बैक एज माय यूट्यूब चैनल, दिस इज साहिल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एंजल फॉर एडिटर। तो गाइस आ गया मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिससे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वेट सेंड एप्लीकेशन का यूज़ करके किस तरह से उस एप्लीकेशन का क्लिप ग्राफिक्स आप कैसे अपने कैनमास्टर एप्लीकेशन में एड कर सकते हो। तो अभी जो चल रहा है फिलहाल में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है जो है कॉल मी डीजे, तो ये आप अपने कैनमास्टर के एप्लीकेशन में, फिर आप यहाँ प्ले स्टोर में भी जाकर देखिएगा तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो किस तरह से आप अपने मतलब कैन मास्टर में कॉल मी डीजे, अभी बहुत सा क्लिप ग्राफिक्स है जो आप कैन मास्टर एप्लीकेशन में नहीं है, तो किस तरह से वो सब आप क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिट सेंड एप्लीकेशन को ओपन करें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऐप है। तो सिंपल से यहाँ पे गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से क्लिक करने के बाद जिस फ़ोटो को आप लेना चाहते हैं सिंपल से कोई भी फ़ोटो आप ले ले, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा मतलब जो भी चाहे आपको जो पसंद हो, तो सिंपल से आप यहाँ पर देख लें। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि कॉल मी डीजे कौन सा है, तो ये जो स्टार का दिख रहा है ना आपको, यही कॉल मी डीजे का है। तो सिंपल से मैं तो इसे अपने कैनमास्टर में इंपोर्ट कर चुका हूँ, तो ये इंपोर्ट नहीं होगा फिर से, तो सिंपल से मैं आपको कोई दूसरा लेके दिखाता हूँ, तो जो शेर है मैं उसी को ले लेता हूँ। तो सिंपल से मैं इसको ले लेता हूँ, तो यहाँ से कैनमास्टर का जो लोगो दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए आप, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपल से ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद ये कैनमास्टर को ओपन कर देगा। तो कैन मास्टर का ओपन होने के बाद सिंपल से आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना और इंस्टॉल हो जाएगा, ये तो इंस्टॉल हो गया। तो सिंपली से यहाँ पे एडिट का ऑप्शन पे, एडिट का ऑप्शन पर आने के बाद आप देख लें कि वही वीडियो है या नहीं, तो सिंपल से यहाँ प्ले पे प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देख लें आप, तो देख लीजिए। तो अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे क्लिप ग्राफिक्स में यहाँ पे टॉप पे कॉल मी डीजे था, तो अब टॉप पे ये आ गया है। तो सिंपली से मैं आपको एक और दूसरा लिंक दिखा देता हूँ, तो अपना फ़ोटो फिर से यहाँ से सेलेक्ट कर लें, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो फ़ोटो सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से सिंपल से आपको आ जाना है, अब यहाँ से सेलेक्ट करना कि कौन सा आप अपना मतलब कौन सा आपको पसंद है जो आपको कैनमास्टर में इम्पोर्ट करना है। सिंपली से मैं यहाँ से आप देख लेता हूँ कोई भी एक, तो सिंपल से ये मुझे पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल से मैं कैन मास्टर का एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद ये हमारा कैन मास्टर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल से ओपन होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो रहा है, ये इंस्टॉलिंग भी हो रहा है। तो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ एडिट पे क्लिक कीजिए, एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से वीडियो चला लें, तो देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। तो मैं वॉल्यूम यहाँ पे अप कर देता हूँ, तो ऐसा हो जाने के बाद तो ये हम तो आप सीख चुके हैं किस तरह से आप बिट्स एंड एप्लीकेशन को यूज़ करके आप उसका क्लिक ग्राफिक्स अपने कैनमास्टर एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल से कुछ दिन के बाद हमारा कैनमास्टर से कॉल मी डीजे का एमएवे बनता है के सॉन्ग पे आ रहा है वीडियो, तो सिंपल से उस टाइप की वीडियो एडिटिंग को सीखने के लिए फिर किस तरह से वो एडिटिंग करना है, तो सिंपल से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। DJ.